मैं जा रही हूँ कैंट में शिव जी के मंदिर। जब हमारा ट्रांसप्लांट होने वाला था उससे पहले मैंने भगवान जी से बस यही बोला था कि भगवान जी जल्दी बुलाना, तो आज दर्शन करने जा रही हूँ। अभी पहले से बेटर फील करती हूँ तो बाहर चली जाती हूँ, मास्क वगैरह सब ले रखा है साथ में। और आज मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगी, बहुत मान्यता प्राप्त है इस मंदिर की, आप लोग जरूर देखना। और बहुत खुशी होती है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना। मैं आपको घुमाऊंगी, बहुत मंदिर सुंदर भी है और बहुत ही मतलब मान्यता भी है। देखो शिव जी का मंदिर है तो अच्छा ही होगा, है ना। मंदिर अल्दर गुरुद्वारा पड़ता है इसके पास में। हमारी गाड़ी एक बार रुक गई थी। हाँ, एक बार हमारी गाड़ी यहाँ रुक गई थी, तो कभी आपको गुरुद्वारा भी घुमाऊंगी, है ना। मुझे बहुत मन करता है आप लोगों को मेरठ घुमाऊं। कुछ लोग होंगे जो मेरठ से देख रहे होंगे, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ रह के गए होंगे, उनको यहाँ की याद आती होगी, तो याद आती होगी ना, तो देख के यादें ताजा हो जाती है। देखो कैंट एरिया में रहते हैं तो बहुत सारे फौजी भाई मिलते हैं, ट्रेनिंग करते हुए, बहुत एक्सरसाइज करते हुए, साइकिलिंग करते हुए मिलते हैं, कुछ जॉगिंग करते होते हैं, उनको देख के लगता है एक फीलिंग आती है, मतलब बहुत अच्छी स्प्रिट आती है, सल्यूट मारने का मन करता है। जितने भी फौजी होते हैं उनको देख के मतलब एक लगता है कि उन्होंने अपनी फैमिली से दूर रह के ये लोग कितना कर रहे हैं हमारे देश के लिए, है ना, बहुत रेस्पेक्ट आता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर, आपको घुमाते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया आपके लिए, और मैंने सोचा मंदिर जा रही हूँ तो आपको भी दर्शन करा देती हूँ दोस्तों, है ना। तो काफी सारे लोग जॉगिंग करते हैं मिलते हैं कैंट एरिया में, बहुत अच्छा लगता है। देखो ग्रीनरी बहुत है कैंट एरिया की, सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि यहाँ ग्रीनरी बहुत है, एकदम हरा भरा, साफ सुथरा, बहुत सुंदर। नहीं तो सिटीज में इतनी ग्रीनरी कहाँ देखने को मिलती है। हमारी कॉलोनी भी आपने देखी होगी दोस्तों, नई वाली कॉलोनी जो है जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां रहती हूँ तो बहुत वहां पे भी बहुत अच्छा है, ग्रीनरी काफी है, अच्छा है हमारा भी इधर का एरिया। तो बस आ गई हमारी मंजिल, यही आना था हमको दोस्तों। चलिए आप भी आ जाइएगा, दर्शन जरूर करना। जिन्होंने वीडियो स्टार्टिंग की है पूरा देखना, क्योंकि बहुत किस्मत वाले होते हैं जो इस मंदिर में आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत चलो बेटा उतरो। चलो इतना प्रसाद ले लेते हैं, हाथ पकड़ो। गई देखो ऑटोमेटिक, हाँ धुल गया, वाओ इट वर्क्स। अंदर नहीं घुसा? नहीं रहा हूँ। हाँ आप लोग ये करते हैं, आप लोग
टीका लगा दू लकड़ी तो इसमें टिक कर लेंगे। मैं चंदन का टीका लगा दूं। मम्मा क्या कर रही हो? चंदन का टीका पानी गिर रहा है। सही है। पापा रोटी बना रहे हैं। पापा रोटी बना रहे हैं। पापा इसमें तो बाहर टाइम लगता है। बोला जो। देखिए। इसका एकदम घिस गया। कितना सारा है ना? लो बस हो गया। चलो तो हो गया काफी है ना। आप ये पकड़ो, मैं ये अब आप ये पकड़ो। सेटिंग मम्मी होम की क्लास है। पूरा मंदिर घुमा दूंगी आज, है ना? पहले तुम चला भी। पहले इसमें ये हो रहा था मॉडिफाई। हाँ मेरठ का अगरनाथ मंदिर है जहाँ पे मैं आई हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको शिव पार्वती जी के दर्शन कराए ना, माता पार्वती और शिव जी के। और उसके बाद कान्हा जी का आता है और माता जी का भी आता है, शेरावाली माता का। मैं भी आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से मतलब मैनेज किया हुआ है सब कुछ ना, मेंटेनेंस अच्छा है। तो मंदिर बड़ा अच्छा, साफ सुथरा, सुंदर मंदिर है। हाथ जोड़ूंगी यहाँ पे, मत्था टेकूंगी भगवान जी को। देखो कितनी सुंदर प्रतिमा है कान्हा जी की, बहुत सुंदर है। वो देखते रहो राधा कृष्णा को, तो है ना बहुत सुंदर बिल्कुल। और चारों तरफ यहाँ पे घूमते हैं, क्या करते हैं, प्रक्रिमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सब लोग मत्था टेकते हैं। आप भी हाथ जोड़ लो, आपकी कोई मनोकामना है तो पूरी हो जाएगी दोस्तों, है ना। आपको अगर लगता है कि आपका कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही तो आप प्रार्थना कर लो। बहुत अच्छा दरबार है, यहाँ से आपको बिल्कुल सुख शांति मिलेगी जीवन में। और कितने अच्छे से देखो प्लांट्स लगाए हुए हैं। प्लांट्स किसी भी चीज़ की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। और मुझे भी मन करता है घर में मैं अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाऊं, पर मैं इतनी टेक केयर नहीं कर पाती उनकी। तो मैं इतना भी झंझट पालती नहीं कि लगा लूँ फिर बाद में परेशान हूँ, क्योंकि अभी तो अपनी केयर कर लूँ वही तो बहुत है, है ना। तो बस यही ये सोच के नहीं करती। यहाँ पर जाल है, नीचे गिरा हुआ है। क्या गिरा हुआ है? वो कान्हा जी की फोटो कराई गई। पापा देखो जूम करके मैंने आपके लिए पिक डाल दी है माता पार्वती और शिव जी की। आप हाथ जरूर जोड़ना दोस्तों, बहुत अच्छा दरबार है ये, बिल्कुल आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। और चलो अंदर लेके चलती हूँ। आ गया मेरी माँ का दरबार, माता रानी की सेवा। मेरा तो जो मन का रिश्ता होता है ना वो है, पता नहीं कोई भी काम हो मेरा माता रानी के नाम के बिना मैं शुरू नहीं करती।
देखो माँ कितनी सुंदर होती है, मतलब माँ जब आप भावुक हो ना और माँ के दरबार में आओ तो मेरे तो आंसू निकल जाते हैं। मैं सच बताऊँ कभी मैं दुखी मन से आती हूँ ना तो मेरे आंसू निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि माँ ने मेरे मन को पढ़ लिया कि मेरे मन में क्या दुविधा है क्या दुख है। बस ऐसा रिश्ता है मेरा, होता है ना आप जिसको इष्ट मानते हो उनसे, तो बस हो गई हमारी पूजा प्रार्थना और फिर हम निकल गए और बस रास्ते में निकल जाएंगे, अब घर के लिए निकल रहे हैं दोस्तों। मंदिर जाके कुछ नहीं, बस अपने मन को शांति मिलती है ना, और मन शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। आप कोई भी काम अच्छे से करो, कहते हैं ना किसी काम की शुरुआत या फिर हम कोई मन्नत मांगते हैं, और इधर हनुमान चौक आ गया तो मैंने सोचा यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ, लेकिन अच्छे से मैं आपको दिखा नहीं पाई। जो मेरठ में रहते हैं उन्होंने तो पहचान नहीं लिया होगा दोस्तों, लेकिन आज अभी जैसे गाड़ी घुमाते ना तो मैं इधर की साइड थी तो नहीं दिखा पाई सही से। कभी और जब आऊँगी ना इधर सदर या आबूलेन तब आपको दिखाऊँगी, ठीक है। मैंने अपने साथ आपको मंदिर घुमा दिया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, बहुत सुकून मिलता है, बहुत मजा आया। और मेरे ख्याल से अगर आप मेरठ में रहते हो तो इस मंदिर में ना आए हो ऐसा हो नहीं सकता, बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत मानते मतलब कुछ लोग तो हर मंडे आते हैं यहाँ। और आज मैं बहुत सुकून के साथ आई हूँ, पिछली बार मैं बहुत घबराहट के साथ आई थी जब इस मंदिर में आई थी, बस मेरे मुँह से ही निकला था प्रभु सब सही करना सब सही करना, और आगे भी सब भगवान अच्छा ही करेंगे है ना, विश्वास होना चाहिए उनमें, अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। देखो गाय कैसे खड़ी है रोड पे, रोड को रोक रखा है इन्होंने, ये पुलिस मैन बन रही है, पुलिस सबका चालान काट रहे हैं। आजकल की गाय डरती भी नहीं है, ऐसी गाय हमारे गेट पे आती है बिल्कुल नहीं हटती, भाई बैठी रहती थी गौ माता। और ये है मेरठ का इंडाना रेस्टोरेंट, तो एक बार की बात याद है मुझे, यहाँ से जब भी निकलती हूँ एक बार बच्चों को ना वॉशरूम यूज करना था, सुशु आई थी दोनों को, और आसपास में कुछ ऐसा होता नहीं है तो फिर मैं उनको यहीं पे लेके गई, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना कभी कभी। तो जब भी हम यहाँ से निकलते हैं मुझे ये बात याद आती है, जीजा कहती है मम्मा हम यहाँ पे कब गए थे, मैंने कहा वैसे गए हो नहीं गए हो लेकिन इस काम के लिए जरूर गए थे, तो ऐसी आती है। उसके बाद ना ये आगे एरिया पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे टैंक है बीच में ना, टैंक खड़े हुए हैं जैसे आर्मी वालों ने जैसे टैंक वैंक जीते हैं इधर उधर से, मतलब जैसे कि कुछ पाकिस्तान से हैं कुछ कहीं और से, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो बच्चों को बहुत रहता है, हर बार ये जिद करते थे कि मम्मी फोटो खींचने दो, पापा फोटो खींचना, हम सीधे ले जाते थे, नहीं नहीं रहने दो रहने दो, तो दोनों बच्चों ने जिद पकड़ी, नहीं आज तो फोटो खिंचवानी है, आप हर बार ही मना कर देते हो, तो मैं कहा चलो भैया फोटो भी खिंचा लो आज, तुम अपनी मर्जी पूरी कर लो। बहुत दिन बाद बच्चों को इस तरह से लेकर आए तो बच्चों की जिद भी पूरी करनी जरूरी हो जाती है, है ना, करना है फोटो खींचने टैंक के साथ। तुम आज तक नहीं खींची, देखो तुम यहाँ 4 साल से रह रहे हैं, चलो यहाँ पत्थर पे खड़े जाओ, इधर दीवार पर मास्क नहीं डालोगे, भैया को भी बुला लो, जाना है क्या तुम्हें, बारिश का हाथ पकड़ो, जाओ वहाँ पे चढ़ जाओ ऊपर, भैया का हाथ पकड़ो, दोस्तों आज की वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ में आपसे फिर से मिलती हूँ, अपनी वीडियो में पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा मज़ा आए आपको देखने में, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।